आज हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा क्या होता है? और बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है कि उनके स्किन के नीचे कुछ गांठ बनी हुई है, छोटी छोटी सी, ज़्यादातर 1 से 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है, कभी कभी बड़ी भी होती हैं। वो फोर आर्म में हो सकती हैं या फिर बैक में हो सकती हैं, कमर के पास हो सकती हैं। तो इसकी प्रॉब्लम के लिए स्किन के डॉक्टर्स पास लोग आते हैं और डॉक्टर्स इसके लिए टेस्ट करते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट के हम ये नहीं बता सकते कि स्किन के अंदर जो नोड्यूल बना हुआ है, जो गांठ है, उसमें किस तरह की सेल्स हैं, वो क्या है, वो बिनाइन है यानी कि हार्मलेस है, या फिर वो मैलिग्नेंट है यानी कि कैंसर वाली चीज़ है। तो इसके लिए अनेक तरह के टेस्ट होते हैं और टेस्ट के बाद कन्फर्मेशन में रिपोर्ट आती है कि ये लाइपोमा है। तो हम शुरू करते हैं डायग्नोसिस से कि कैसे हम डायग्नोस करते हैं इसको। स्किन के नीचे की लेयर्स की पिक्चर लेने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे, इसके अलावा एक बायोप्सी टेस्ट होता है जिसमें कि टिश्यू निकाल करके देखा जाता है माइक्रोस्कोप में किस तरह की सेल्स हैं। अगर उसमें फैट सेल्स मिलती हैं तो हम कहते हैं लाइपोमा है। और जो हम लोग डॉक्टर तैलंग क्लिनिक में टेस्ट करते हैं वो और भी सिंपल टेक्निक है, FNSC बोलते हैं इसको, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। हम लोग एक इंजेक्शन डालते हैं गांठ के अंदर और फिर थोड़ा सा मटेरियल बाहर निकालते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं किस तरह की सेल्स हैं अंदर, और उन सेल्स के आधार पर हम ये डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये नोड्यूल क्या है। ये लाइपोमा हो सकता है, ये न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है, ये लियोमायोमा हो सकता है, मतलब कि डिफरेंट टाइप की सेल्स के आधार पर डायग्नोसिस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये लाइपोसार्कोमा हो सकता है यानी कि मैलिग्नेंट वैरायटी है जो कि कैंसर का एक रूप होता है फैट सेल्स का। लेकिन बेसिकली इन सब में फैट सेल्स मिलती हैं, साथ में कुछ अलग टाइप की सेल्स भी मिलती हैं। अगर फाइब्रोसाइट्स मिल रही हैं तो हम कहते हैं ये फाइब्रोलाइपोमा है। अगर उसमें ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज की सेल्स भी मिल रही हैं उस ट्यूमर में तो हम इसे कहते हैं कि ये एंजियोलाइपोमा। इस तरह से बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ब्राउन फैट के जो ट्यूमर्स होते हैं उन्हें हाइबरनोमा बोलते हैं। स्पिंडल सेल ट्यूमर अलग होते हैं जिसमें कि अलग ही वेराइटी की सेल्स मिलती हैं, एडिपोसाइट्स नहीं मिलती, एडिपोसाइट्स फैट सेल्स को बोलते हैं। और इन्हीं के एक्युमुलेशन को, अगर ये प्योर एडिपोसाइट्स हमें दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, तो हम ये कहते हैं कि ये ट्यूमर लाइपोमा है। तो ये हो गई डायग्नोसिस। अब इसकी प्रोग्नोसिस क्या है, यानी कि क्या इलाज करने की ज़रूरत है, क्या ये कोई रिस्क वाली चीज़ है? तो इसका जवाब है कि नहीं, इसका इसमें कुछ भी रिस्क नहीं होता और ये बहुत रेयरली कैंसर में बदल सकता है, बहुत बहुत रेयर होता है। जब ये कैंसर में बदलता है तो इसे लाइपोसार्कोमा बोलते हैं और तब इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप इसे बहुत दिनों के लिए छोड़ भी देंगे तो भी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कभी किसी नस में टच कर रहा है, नर्व में टच कर रहा है, तो पेन हो सकता है किसी गांठ में, तो उसे ठीक करना ज़रूरी होता है, या फिर अगर ये कहीं बाहर है और बड़े साइज़ का दिख रहा है तो उसे हटाना ज़रूरी होता है। तो ये हो गई प्रोग्नोसिस। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो पहले तो हमने ये जाना कि इसको अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं, आपसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कॉस्मेटिक रीज़न से इसे हटाना, यानी कि बड़ा है और दिख रहा है, ऊपर से ख़राब दिख रहा है, एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपको किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना है तो वहाँ पे आपको इसकी वजह से छांट दिया जा सकता है, तो इसलिए ठीक करना ज़रूरी होता है। तीसरी वजह ये होती है कि अगर ये किसी नर्व में टच कर रहा है तो अंदर से पेन फील होता है और तब इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे ठीक कर सकते हैं इसे हम? तो पहला सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है कि सर्जिकल एक्सीजन, कि इसको थोड़ा सा स्किन ओपन कर दें और पूरा पूरा निकाल देते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं बॉडी में तो कहाँ कहाँ निकालेंगे, और ज़्यादातर लोग सर्जरी से बहुत डरते हैं। तो एक दूसरा आसान तरीका है, वो है लाइपोसक्शन। एक छोटी सी नली डालते हैं अंदर गांठ के और पूरा पूरा फैट बाहर खींच लेते हैं। पर ये भी, इससे भी लोग डरते हैं, ये भी एक तरह का ऑपरेशन ही है। तो जो तीसरा तरीका है वो हम लोग यूज़ करते हैं डॉक्टर तैलंग क्लिनिक में। बहुत ईजी और सिंपल टेक्निक होती है। एक छोटी सी बहुत बारीक सी स्किन की सुई होती है, इंजेक्शन लगाते हैं और इसमें होते हैं फैट एंजाइम्स। तो अंदर जो फैट सेल्स होती हैं, जो फैट होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है और गांठ धीरे 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 श्रिंक हो जाती है। लेकिन ये श्योर शॉट ट्रीटमेंट नहीं है, इजी तो है लेकिन हर किसी को बहुत अच्छा फ़ायदा हो ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को एक ही इंजेक्शन में नोड्यूल लगभग पूरा पूरा डिसॉल्व हो जाता है, कुछ लोगों को कई इंजेक्शन्स लगाने के बाद नोड्यूल डिसॉल्व होते हैं, और कुछ लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होता क्योंकि डिफरेंट टाइप की सेल्स भी होती हैं उसमें लाइपोमा के साथ में, तो इस तरह की वैरायटीज़ में कम फ़ायदा होता है, तो फिर उन्हें सर्जिकल एक्सीजन या फिर लाइपोसक्शन के ज़रिए ठीक करना पड़ता है। तो हमने डिस्कस किया कि लाइपोमा क्या होता है। ये एक बिनाइन नोड्यूल है, ट्यूमर होता है स्किन का, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैट होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे इसकी डायग्नोसिस करते हैं। तो FNSC टेस्ट होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिससे कि हम पता करते हैं कि ये लाइपोमा है।
फिर हमने डिस्कस किया कि इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, और फिर हमने डिस्कस किया इसकी प्रोग्नोसिस, और फिर हमने डिस्कस किया कि ये कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये लाइपोमा के बारे में था पूरा। एक और लास्ट फैक्टर रह गया एपिडेमियोलॉजी, यानी कि ये कितना होता है, कितने लोगों को होता है। तो ये है जनरल पॉपुलेशन का 2%। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में अगर 120 करोड़ लोग हैं तो कितना हुआ 2%, 100 करोड़ का 2 करोड़ और 120 करोड़ का करीब करीब 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में लाइपोमा है। तो अगर आपको है तो चिंतित मत होइए, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको है। और अगर आपको इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं और इसे ठीक भी करा सकते हैं। तो कोई भी परेशान होने की बात नहीं है ये। और फिर ये सेफ़ और रेयर ऐसा होता है कि ये कैंसर में बदलता है, ये सेफ़ डिजीज़ है, ये सेफ़ टाइप का ट्यूमर होता है।